शूज को खरीदते समय आपको 3 बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, आप कोई भी शूज लेते हैं तो उसे पहनने के बाद उसके पीछे 1 उंगली का गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा स्पेस रहेगा तो आपके पैरों में लूज होगा और कम स्पेस होगा तो आपके पैरों में प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 2, शूज को लेते समय आपको उसे बैंड करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो लोकल क्वालिटी के शूज होते हैं उसमें मुड़ने के निशान पड़ जाते हैं, लेकिन बढ़िया क्वालिटी के शूज के साथ ऐसा नहीं होता है। नंबर 3, शूज को खरीदते समय जब आप उसे पहनते हैं तो शूज के आगे वाले एरिया में आपके फिंगर और शूज के बीच में कम से कम 1/2 इंच का गैप होना चाहिए, क्योंकि इससे कम स्पेस होने पर आपके उंगलियों में प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे इमेंस फैशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल जेरी को सब्सक्राइब करें।